तो इस वीडियो में आपको मैं टमाटर का हार्वेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हाइब्रिड टमाटर की खेती और अभी इस पर हार्वेस्ट चल रहा है। और फ्रूट सेस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। इधर आप ग्रोथ देख सकते हैं। सो अभी इसका हार्वेस्ट चल रहा है और थोड़ा खेत दोस्तों अभी गीला है, लेकिन फिर भी अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए दोस्तों, वो अभी हार्वेस्ट चल रहा है और फ्रूट सेट आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगा है इस पर। और इधर देखिए, ऐसे दोस्तों पूरे पे लगा हुआ है। तो चलिए इधर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हल्का गीला है, मगर आप देख सकते हैं, ये देखिए हाइब्रिड है ये। इधर भी दोस्तों देख सकते हैं आप, और ये वाला दोस्तों कोई डिफरेंट वैरायटी है, यहाँ देख सकते हैं। और ये डिफरेंट है, दोनों ही हाइब्रिड है, मगर इस वाले का मुझे नहीं पता कौन सा है। और इस वाले का आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्रूट सेट है। प्लांट में हल्का आपको थोड़ा कहीं पत्तियाँ देखने को मिलेगा इस तरह से, मगर ये मौसम की वजह से होता है। टमाटर का दोस्तों प्लांट बहुत ही जल्दी इस पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी इस पर बदलाव आता है। सो इसका केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मगर आप फ्रूट से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसका हार्वेस्ट काफ़ी दिन से स्टार्ट हो चुका है। इधर देखिए, इधर देखिए, इस साइड पे देखिए, इधर देखिए, और इधर देखिए फ्रेंड्स, है ना बढ़िया। ये देखिए इधर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आधा एकड़ पे अभी लगा हुआ है। सो वैरायटी कौन से दोस्तों आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक देखते रहिए। इस साइड भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, इसको बिना मल्चिंग और ड्रिप का लगा हुआ है, इस पर कोई मल्चिंग और ड्रिप नहीं है, नॉर्मल फार्मिंग है। और इधर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टमाटर फ्रूट आया हुआ है अभी। चलिए इधर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और उधर हार्वेस्ट हुआ है अभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों टमाटर आप जब भी लगाएं, हाइब्रिड वैरायटी लगाएं, और ये वैरायटी हमें अब तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ, आप जिस स्टेट में हैं, वहाँ जो वैरायटी सबसे बेस्ट है, वही आप उसी का खेती करें। देखिए दोस्तों, सितंबर में दोस्तों इसका ट्रांसप्लांट हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं आप, कैरेट पे कुछ इस तरह से रखते हैं उसको हार्वेस्ट करके। और इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हार्वेस्ट होके रखा है, ये लगभग 20 केजी अराउंड होगा। और यहाँ भी है 20 केजी अराउंड, 20 या 25 होगा दोस्तों।
इधर अभी हार्वेस्ट हो चुका है, आपको पका हुआ टमाटर इधर नहीं दिखेगा, हरा हरा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ देख सकते हैं इधर भी अभी काफ़ी मात्रा में टमाटर है। ये देखिए इधर भी देख सकते हैं, ये दोस्तों देख सकते हैं आप इसका यील्ड बहुत ही बढ़िया आता है इस पे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ आपको मैं और दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल फार्मिंग है, मगर इसमें एक बहुत ही कॉमन जो दिक्कत आती है दोस्तों, ये खरपतवार यहाँ देख सकते हैं। अगर आप ड्रिप और मल्चिंग में करेंगे तो ये समस्या ज़्यादा नहीं आएगा, जिससे कि इस पे जो वायरस वगैरह है वो बहुत कम हो जाता है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहता है। अगर आप खेती करना चाहते हैं टमाटर का, तो अगर आपका बजट है तो ड्रिप और मल्चिंग पे ज़रूर करें, अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, बस इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो खरपतवार घास वगैरह है इसको लगातार आपको निकालते रहना है खेत से। दोस्तों ये खेत तो मैंने आपको दिखा दिया, और चलिए इधर भी आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे भी थोड़ा सा लगा है ये इशू वाला वैरायटी, तो चलिए देखते हैं उधर भी। इधर भी आप देख सकते हैं दोस्तों यही वैरायटी लगा है, ये भी हाइब्रिड है। और इधर आप एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं दोनों जो बेड की डिस्टेंस है, तो बीच पे फूल गोभी लगाया हुआ है। ये भी बेस्ट तरीका है, आप बीच में चल सकते हैं और इधर आपका गोभी भी ग्रोथ हो जाएगा साथ ही साथ। और इस साइड देखिए इसका ग्रोथ, इधर अभी ज़्यादा हार्वेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है मगर हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट सेट और फ्लावरिंग है, और फ्लावर आप देख सकते हैं और भी आ रहे हैं, और गोभी आप देख सकते हैं लगा हुआ। ये देखिए दोस्तों, और चलिए आपको नीचे इससे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका फ्रूट से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट है इस वैरायटी का। तो चलिए मैं आपको वैरायटी भी बता देता हूँ, ये हाइब्रिड वैरायटी है सिजिंटा का साहो वैरायटी। बहुत ही अच्छा वैरायटी है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिला इसका। आप इसे ड्रिप में भी लगा सकते हैं, विदाउट ड्रिप भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए।